हाय गाइस, सचिता की वीडियो में आपका स्वागत है। तो फिलहाल इस वीडियो बात करने जा रही हुई वर्ना 2023 के बारे में, जो कि हुंडई तरफ से हाल ही में लॉन्च हुई थी। वैसे इसमें आपको चार वेरिएंट मिल जाते हैं, EX, S, SX एंड SX ऑप्शनल, लेकिन अभी हम इसके बेस मॉडल के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि EX प्राइसिंग की बात है तो गाड़ी में एक्सोरूम प्राइसिंग मिल जाती है 10,89,000 एंड ऑन रोड मिलती है इसकी 12,39,000। बाकी सारा कुछ जाता है इसका इंश्योरेंस या RTO में, ये सब में ही जाता है। डायमेंशन की बारे में तो गाड़ी में लेंथ मिल जाती है 4535 mm, विड्थ 1765, हाइट 1475 एंड जो इसका व्हील बेस मिलता है 2670 का मिल जाता है। अब जो फाइनेंस का ग्राउंड क्लियरेंस है वो 165 mm का मिल जाता है, काफी अच्छा खासा। वैसे बेस्ट इन सेगमेंट इसका जो डायमेंशन है वो आपको मिलते हैं, सबसे बड़ी गाड़ी है अपने सेगमेंट की सेडान में। की बारी है तो यहाँ पे DRL जो आप ऊपर की साइड देखोगे वहाँ पे आपको DRL हटा के क्रोम दे दिया है। बाकी लाइट्स मिल जाती है आपको, प्रोजेक्टर विद हैलोजन सेटअप, हाई बीम लो बीम अलग से। नीचे साइड यहाँ पे इंडिकेटर एंड एयर वेंट्स मिल जाएंगे। साइड की बात आते हैं, यहाँ स्पेयर व्हील मिल जाता है विद व्हील कवर, जिसका साइज है 85-65 R15। बाकी पीछे की लाइट देखो आपको सिंपलिस्टिक से मिल जाती है, पीछे भी कनेक्टिंग मिल जाती है, उसके नीचे साइड इंडिकेटर एंड इंडिकेटर राइट साइड रिवर्स लाइट। बाकी लोग बात कह रहे हैं कि न्यू वर्ना इतनी अच्छी नहीं लगी, फ्यूचरिस्टिक कार है, रियल लाइफ में एंड वीडियोस में देखने में थोड़ा डिफरेंस होता है। बाकी बूट स्पेस 528 लीटर्स का मिल जाता है। उसके नीचे एक साइड देखो तो यहाँ पे स्पेयर व्हील मिलेगा ब्लैक कलर का, सेम गुडियर के टायर मिल जाएंगे पांचों। किसी किसी गाड़ी में एक साइज टायर कम मिलेगा, लेकिन नहीं, इसमें आपको पांचों के पांच सेम टायर मिलेंगे। अब बढ़ जाते हैं इसके इंटीरियर की, एकदम सिंपल सा इंटीरियर है, इसमें म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलेगा आपको। स्टीयरिंग की बात आती है, यहाँ पर टिल्ट मिल जाता है लेकिन टेलीस्कोपिक नहीं मिलता। MID देखो तो एनालॉग मिलती है, डिजिटल नहीं मिलेगी। लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर, राइट साइड में टैकोमीटर एंड बीच में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है माइलेज या कितने किलोमीटर चली है गाड़ी, वो आपको ऐसे डिजिटल में देखने को मिलेगा। एकदम सिंपल सा इंटीरियर है, टू स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा, लेफ्ट साइड वाइपर्स का कंट्रोल, राइट साइड में इंडिकेटर एंड बेस मॉडल में इसमें एक और खास बात है, ऑटो हेडलैम्प्स मिल जाएगी और इसमें मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा। अंदर से आप इलेक्ट्रॉनिकली अपने ORVM एडजस्ट कर सकते हो। 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे बेस मॉडल से, आप देख लो खुद ही, 6 एयरबैग्स भाई टॉप मॉडल में मिलते हैं वैसे खासकर, लेकिन वरना आपको बेस मॉडल से ही दे रही है। फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल जाएंगे। इसके फ्रंट में एक 12 वोल्ट का सॉकेट विद टाइप सी मिल जाएगा एंड पीछे साइड भी दो टाइप सी मिल जाएंगे, लेकिन इसमें आपको कहीं भी USB या टाइप ए कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। इंजन की बारी आए तो यहाँ पे 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिल जाएगा 4 सिलेंडर के साथ, जो कि निकालता है 113 BHP विद 143 Nm का टॉर्क, 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ में आ जाता है। अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो आप EX को छोड़ के S पे भी जा सकते हो। बाकी खैर छोड़ो, इसी के साथ अपनी पूरी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे सब्सक्राइब बटन इसलिए दे रखा है आपको, सब्सक्राइब कर लो प्लीज ऐसे बेहतरीन कंटेंट को देखने के लिए। बाकी यहां तक वीडियो देख लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय।